जय माता दी। साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का अपने चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैथ पेडागोजी में गणित का पाठ्यक्रम में स्थान का चैप्टर लेकर आया हूं। तो आज सबसे पहले देखते हैं गणित का पाठ्यक्रम में कौन सा स्थान है, गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, शायद ही ऐसा कोई विषय होगा जो सभी विषय से संबंधित है, ऐसा मात्र एकमात्र विषय कहें तो वह गणित है। गणित के बिना हम कहे तो अधिक से अधिक विषयों या अधिकांश विषयों या सभी विषयों का आधार नामुमकिन है। आज हमारे दैनिक जीवन में बिना गणित का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, और गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हमारे दैनिक जीवन में जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान देने का प्रमुख कारण पहला निम्नवत है। पहला कारण है जो इसका, यह है गणित विज्ञान का आधार है। अर्थात कहें तो गणित के बिना विज्ञान का कोई भी औचित्य नहीं है। हम जैसे गणित में विज्ञान में क्षेत्रफल, आयतन, वेग और जड़त्व ये सब चीजें लगाते हैं, तो वहां पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, गणित की। तो गणित विज्ञान का आधार है, हमारे जीवन से सर्वाधिक संबंधित है। मानव जीवन से संबंधित गणित एक विषय है जो मानव जीवन से संबंधित है। आज हम कोई भी छोटी से छोटी व्यवहारिक क्रिया करते हैं, जैसे हम मापतोल करते हैं, तो बड़ा बिना गणित के संभव नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित का मानव जीवन से सर्वाधिक संबंधित। इसके बाद देखें, गणित तार्किक सोच उत्पन्न करता है, तार्किक सोच उत्पन्न करना। गणित का पाठ्यक्रम स्थान होने का निम्न कारणों में से कारण है तार्किक सोच उत्पन्न करता है। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो तार्किक सोच उत्पन्न करे। अर्थात हम जब कभी सवाल लगाते हैं तो हमें एक के बाद एक के क्या विधियां करना है इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है और आगे का मार्गदर्शन देखना होता है। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तर्क की। तो तार्किक सोच उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है, गणित करता है। गणित एक विशेष प्रकार की सोचने का दृष्टिकोण पैदा प्रदान करता है। अर्थात हमें विभिन्न सवालों को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो दृष्टिकोण है वह किसके माध्यम से संपन्न होती है, गणित के माध्यम से संपन्न होती है। इसके बाद देखिए अगला, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का तात्पर्य है इसके जो नियम और सिद्धांत है वह निश्चित सत्य है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। यदि हमने कोई नियम इसका दे दिया तो सार्वभौमिक सत्य होता है। गणित की भविष्य से भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात हम जब सवाल लगाते हैं तो हम निश्चित कर सकते हैं किसका आंसर ही प्राप्त होगा। हम लगाए अथवा ना लगाए, लेकिन हम तार्क लगा के उसको आंसर बता सकते हैं। तो इसका प्रमुख कारण भविष्यवाणी करने में। तो ये सब इसके क्या थे, प्रमुख कारण थे गणित विषय का पाठ्यक्रम स्थान देने की। जय माता दी साथियों।